पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार राजस्थान से जुड़ रहे हैं। सिद्धू के मर्डर की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ने 8 महीने पहले ही कर ली थी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस ने जयपुर जेल से ही मूसेवाला को पहली धमकी दी थी। दरअसल लॉरेंस विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मेड्डू खेड़ा और गोल्डी कॉलेज के दोस्त थे। मोहाली के सेक्टर 71 में 7 अगस्त 2021 को अकाली नेता विक्की मेड्डू खेड़ा की 2 शूटर ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से लॉरेंस और बराड़ ने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पेज से सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट जारी की, जिसमें लिखा था कि राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। लोग हमें जो भी कहे, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मेड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया। ये तो अभी शुरुआत है और जो भी इस कत्ल में शामिल हुए थे वो तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। जय बलकारी। लॉरेंस उस दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। विक्की की हत्या के करीब 1 माह बाद 25 सितंबर को जयपुर पुलिस ज्वार नगर के एक बिल्डर से 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में लॉरेंस को प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर लाई थी। पूछताछ के बाद उसे जयपुर जेल भेज दिया गया था।